69 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं। बीते दिन आप लोगों ने कई सारे त्योहार मनाए होंगे और आने वाले दिनों में भी आप कई सारे त्योहार जरूर मनाएंगे, लेकिन एक सवाल है आपसे कि इन त्योहारों को आपने मनाया कैसे? पूजा पाठ करके या परिवार वालों के साथ खुशियां बांटकर, या फिर दूसरी ओर किसी ट्रक पर गंदे गानों पर डांस करके या आर्केस्ट्रा करके? हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे दृश्य हमारी नजरों में आए जिसे देखने के बाद हर देशभक्त की या धर्म भक्त की नजरें झुक जाएंगी। इसका एक उदाहरण हम साझा कर रहे हैं सरस्वती पूजा के दौरान का। इसे बड़ा पवित्र त्योहार माना जाता है। विद्यार्थियों के लिए तो खासकर इस त्योहार पर पूजा पाठ करने की बुजुर्गों से सलाह मिलती है, लेकिन क्या हो अगर पूजा पाठ के दौरान कोई विद्यार्थी फिल्मों के आइटम सॉन्ग चलाकर बेशर्मी से डांस या हरकतें करने लगे? यकीन मानिए, आमतौर पर ज्यादातर लोगों को ये देखने में बड़ा अजीब लग सकता है या फिर कुछ लोगों को बहुत गुस्सा भी आ सकता है। लेकिन समस्या सिर्फ इतनी ही नहीं है। गणतंत्र दिवस के मौके को तो पूरे भारतवासी झंडे के नीचे खड़े होकर सलामी करते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर लोकगीत नृत्य करके आपस में खुशियां बांटते हैं, मनाते हैं। लेकिन क्या हो अगर भारत की शान उसी तिरंगे के नीचे, वो भी स्कूल जैसे पवित्र मंदिर में, एक लड़की से अश्लील डांस कराया जाए और सारे टीचर बैठकर उसे देखकर ठहाके लगाएं? आमतौर पर तो ऐसा रूप किसी अध्यापक को शोभा नहीं देगा, लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस बार हमारे समाज में ऐसी दोनों तरह की भद्दी और खराब हरकतें खुलेआम होती आईं। जहां सरस्वती माता के मूर्ति विसर्जन पर ट्रक में लोगों ने दारू पीकर खूब ठुमके लगाए गंदे गानों पर, तो वहीं 26 जनवरी को मध्य विद्यालय जिल्काबाद में झंडा तो फहराया गया, लेकिन झंडा फहराने के बाद उसी जगह पर आर्केस्ट्रा कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। आर्केस्ट्रा की डांसर ने भोजपुरी के अश्लील गानों पर एक लड़के के साथ जमकर डांस किया। डांस देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग भी जुटे। कई बच्चे डांस के दौरान स्टेज के आसपास खड़े थे, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। कुछ शिक्षकों का कहना है कि स्कूल बंद होने के बाद गांव के लोगों ने ये कार्यक्रम कराया है। बेशक से अपनी गलती कोई मानने को तैयार ना हो, लेकिन अपने मन में क्या ऐसा करते हुए ये सवाल कभी नहीं उठा होगा कि हम जो कर रहे हैं या जिस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं वो समाज के लिए बिल्कुल असभ्य व्यवहार है। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया की रिपोर्ट।